अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त सुबह सुबह मैं लॉन्ग ड्राइव पर आई हूँ। नहीं जी, ये लॉन्ग ड्राइव नहीं है, मैं दूसरे शहर गई हुई थी अपने, क्योंकि मेरा कार्ड रीन्यू होना है, तो इसलिए मैं अपने पेपर्स के लिए दूसरे शहर गई हुई थी, तो इसलिए वापस जा रही हूँ। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं, तो मेरे पास जो कार्ड था ऑलरेडी वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे अपना कार्ड रीन्यू करवाना था, जिसकी वजह से मैंने सीता लिया हुआ था, अपॉइंटमेंट ली हुई थी। और अब मैं दूसरे शहर से बस पेपर जमा करवा कर वापस आ रही हूँ, और अब घर जाकर मैं नाश्ता करूँगी बस, और साथ में अपना म्यूजिक इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ड्राइव पर आई थी भाई के साथ। वरना नॉर्मली आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, हम लोग ज़्यादा वॉक ही करते हैं कहीं आने जाने के लिए अपनी सिटी में, लेकिन अब क्योंकि दूसरी सिटी आना था तो इसलिए गाड़ी पर आए थे। और अब जब मैं घर आई हूँ तो पता चला है जी, आज हमारे घर बन रहा है चिकन कौरमा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अपने लिए है सौंफ, सूखा धनिया, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग ली है, काली मिर्ची ली है, ज़ीरा लिया है, और साथ में दालचीनी का टुकड़ा लिया है एक। तो इन सबको पहले फ्राई पैन में डालकर थोड़ा सा भून लेंगे, 30 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि ये थोड़े से ब्राउन हो जाए। उसके बाद 3 अदद प्याज ले लिए थे, उनको ऑयल में डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, लाइट ब्राउन कर लिया था, डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। तो बस ये तब तक हो रहा था, और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जो हमने मसाले लिए थे उनको चूल्हे पर रख दिया है थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए, ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही अपने हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और प्याज भी तकरीबन हमारा होने वाला था, तो बस फिर ये हो गए हमारे जो मसाले हमने लिए थे ब्राउन करने के लिए, वो ले लिए हैं, अब इनको पीस लेंगे। और जो प्याज था वो भी लाइट ब्राउन हो गया, तो उसी ऑयल में हम लोगों ने चिकन डालकर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा पिंक से वाइट में और फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन में, तो बस फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। ये हमने टमाटर, हरी मिर्चें जो ली हुई थी, 2 अदद हरी मिर्चें थी और 2 ही टमाटर थे, उन दोनों का पेस्ट बना लिया है। और ज़्यादा ब्रीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। और जो प्याज लिया था वो भी ब्राउन हो गया, इसको हम लोग दही के साथ मिक्स कर इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये दही और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हैं वो मसाले जो हम लोगों ने भुने थे, तो ये भी तैयार हो गया है, ये मिक्सचर भी तैयार हो गया है, टमाटर हरी मिर्चों का और प्याज और दही का भी। उसके बाद हमने थोड़ा धनिया लिया और इसके साथ हम लोग 2 मिर्चें हरी डालकर इसको भी ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। और इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कर अपने चिकन में डालेंगे। हमारा चिकन जो था वो पिंक से वाइट हो गया था, तो इसमें हम लोगों ने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था इस चिकन के साथ। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जी ये पहले इसमें जा रहा है नमक, उसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें और हल्दी, और साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें हम लोग इसलिए भी डालते हैं क्योंकि दूसरी लाल मिर्ची हम लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ये वो मसाला है जो भुना था हम लोगों ने और इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था, तो ये सारी का सारा इसमें चला जाएगा, तो इससे इसे कौरमे की बहुत अच्छी स्मेल आएगी। उसके बाद इसमें जो बाकी के हमने पेस्ट बनाए थे, जैसे अदरक उसका, प्याज का और दही का, वो भी इसमें डाल देंगे, और टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो भी इसमें डाल देंगे, और धनिया और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो भी इसमें बारी बारी कर डाल देंगे, और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। और चिकन तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स भी हो जाए और चिकन जो है वो भी पक जाए और इसकी जो मसाला है वो सारा चिकन में मिक्स अप हो जाए। तो बस ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं।
हमारा चिकन तकरीबन पक गया था, तो इसको अच्छे से मिक्स कर अब इसके ऊपर हम लोग अदरक, हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, जिससे ये और भी यमी लगेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि आज मैंने नाश्ते में भी नहीं किया था, आकर भी नहीं किया था, तो अब मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से ये पक जाए और मैं खा लूँ। और ये है हमारा फाइनल खाना जो कि हमने बाद में खाया था और बहुत मज़ा आया था। शाम को हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, हमारी एक इंडियन फ्रेंड है तो उस वो पाकिस्तान जा रही थी, तो उसे थोड़ा मेकअप की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर लगते हाथ हम लोग भी कई अच्छी सी शॉपिंग कर रहते हैं। तो मैंने आई शेड्स और ये लिपस्टिक्स ली थी, ये देखिए कितनी अमेजिंग थी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, और ये इसमें तकरीबन 12 का ये पैक था। और ये अगला दिन शुरू हो गया है जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं ये इवनिंग है आज, क्योंकि यहाँ पर 27 रजब स्टार्ट होने वाले, 26 रजब है, रात हम जागेंगे, तो इसलिए न्याज के लिए खीर बन रही थी, तो अपनी खीर बना रही थी, उसके बाद हम लोग ये खीर बांटेंगे अपनी फ्रेंड्स में। हम ज़्यादा लोगों से यहाँ पर मिलते नहीं हैं, यहाँ रहते हैं काफ़ी पाकिस्तानी, लेकिन हम लोग अपनी तकरीबन 5-6 फैमिलीज हैं जिनसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बस ये उनके लिए निकाल रहे थे और ताकि ख़त्म दिलाकर उनको दिए आए, तो बस। और ये बहुत यम्मी खीर बनी थी। बस हमारी खीर तैयार हो गई थी और डब्बे भी बन चुके थे, और अब मैं सोच रही थी कि मगरिब से पहले पहले सब फ्रेंड्स को दे आऊँ, तो बस फिर मैं निकल पड़ी सब फ्रेंड्स को देने के लिए, क्योंकि मैंने अकेली नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी दे आऊँ, अभी तो दिन है और इसके बाद घंटे बाद तकरीबन मगरिब की अजान भी हो जानी थी, और आज क्योंकि रात भी जागनी है और आज मेरी भाभी का बर्थडे भी था, तो इसलिए अभी भी घर में बहुत ज़्यादा काम था। ये यहाँ का बहुत पुराना चर्च है, किसी दिन मैं आपको पूरा चर्च दिखाऊंगी, ये हिस्टोरिकल चर्च है और ये सिटी की पहचान है जिस सिटी में हम लोग रहते हैं। तो पहले हम लोग भी इसी साइड पर रहते थे जहाँ पर ये चर्च है, इसके बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट में हमारा घर था, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने नया घर ले लिया है तो इसलिए हम लोग ये घर छोड़ कर वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर आने के लिए तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। पहले तो हम लोग भाग कर भाई आते थे और साथ ही हमारा मेन सिटी शुरू हो जाती थी। ये मेरी फ्रेंड का घर आ गया था तो मैंने बैल देख कर उसको कहा कि अपनी बेबी को, उसकी बेटी है एक 7-8 साल की, मैंने उसे कहा प्लीज़ आप इसे नीचे भेजिएगा ताकि मैं उसे पकड़ा दूँ, मैं ऊपर नहीं आ रही। तो क्योंकि आजकल यहाँ पर फिस्ता चल रहा फेस्टिवल था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से स्पेन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हुई हैं, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना फेस्टिवल मनाने के बजाय ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कोई टेनिस पैडल का शो रखा हुआ था जो 4 दिन हो गए हैं चल रहे हैं और लोग बड़े शौक से देखने आते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है। बस फिर मैं आगे निकल गई अपनी दूसरी फ्रेंड्स की तरफ, तो जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड्स को देख कर मैंने कहा घर जाऊँ जल्दी से। तो ये तकरीबन मैं अपनी 3 फ्रेंड्स को दे चुकी थी, 2 ही रह गई थी जिनका घर बिल्कुल साथ साथ ही है बिल्डिंग्स में, एक बिल्डिंग में एक फ्रेंड रहती है, उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में दूसरी फ्रेंड रहती है, तो बस फिर अब हम उनको देंगे और बाद में घर चले जाएंगे। क्योंकि भाभी का आज बर्थडे था तो हम लोगों ने घर आकर ये काम भी करना था, तो मैंने चिकन आप ही ने स्टीम कर रखा हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको ग्रिल करना शुरू कर दिया, तो ये चिकन हमारा ग्रिल हो गया था। इसके बाद मैंने ग्रिल इसको चिकन को ग्रिल करने के बाद मुझे अपने लिए कटलेट्स भी बनाने थे जो कि आज की पार्टी के लिए अहम थे, तो बस फिर वो फ्राई किए। और ये सब कुछ हमने रात को खूब इंजॉय किया, अभी तो ये चीज़ें भी लग रही थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आ रहे थे, तो गर्म कर हम लोग लोगों को सजा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने सब ने बहुत इंजॉय किया, पूरी फैमिली साथ थी, इसलिए ओके अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट्स माई ब्लॉग।